मुझे सबसे पहले तो बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपको प्रतिज्ञा 2 स्टार्ट हो गया, बन इन्हें इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया कि 2 लाना ही पड़ा आप लोगों को। तो पहले तो ये जानना चाहूंगी कि दिख रहा है कि आप पूरी तरह से होली के रंग में रंगी हुई है, तो कैसा लगा, कितना मजा आया सेट पर होली खेल के? सेट पर होली खेल के शूट के लिए बहुत मजा आया, पर्सनली बहुत मजा नहीं आया बिकॉज आई डोंट लाइक होली कलर्स एंड आई एम हाइपर एलर्जिक टू इट, तो आई हैव एंटी एलर्जी मेडिसिन इन मी अभी, बट बहुत मजा आया। आई मीन आप लोगों ने सबने देखा, द सीक्वेंसेस आर रियली गुड, डांस करना है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है एंड यू नो द सीक्वेंस वाज कोरियोग्राफ रियली वेल बाय हिमांशु, तो इट वाज सुपर फन। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको देखा गया कि आप 8 साल बाद एक नए किरदार में आ रही हैं, आप लॉयर बनके लौट रही हैं, तो क्या राज है लॉयर बनकर लौटने में और किस तरह से सपोर्ट आपको कृष्णा और फैमिली से मिलेगा? लॉयर प्रतिज्ञा हमेशा से थी, इवन इन सीजन 1 प्रतिज्ञा ने अपनी फैमिली के लिए एक केस लड़ा था, बट अब जो है वो एक स्पेशल ओकेजन था कि उसने अपनी फैमिली पर जो भी प्रॉब्लम आया था तो बोला था ओके आई हैव अ डिग्री, आई कैन फाइट, आई विल पुट माई पेपर्स इन एंड आई विल रिप्रेजेंट माई फैमिली, लेकिन इसमें शी इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, सो दैट इज़ द ह्यूज डिफरेंस। एंड ऑफकोर्स कोई भी औरत, ना ही सिर्फ प्रतिज्ञा, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में तभी कर सकती हैं जब उनके स्पाउस का, हस्बैंड का या उनकी फैमिली का उन्हें सपोर्ट मिले, सो वही चीज़ प्रतिज्ञा के साथ भी है, सज्जन जी, अम्मा, जो पूरा परिवार है और ख़ास करके कृष्णा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है और उसी की वजह से प्रतिज्ञा आज इतनी बड़ी लॉयर बन चुकी है।